हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आप लोगों के लिए मिलेट्स की कुछ रेसिपीज लेकर के आई हूँ। तो आज हम मिलकर बनाने वाले हैं बानियार्ड मिलेट्स की वेज खिचड़ी। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि बानियार्ड मिलेट्स की या मिलेट्स की खिचड़ी कैसे बनती है, या वेजिटेबल कैसे ऐड करना है, कितना सॉटे करना है। तो इन सब चीज़ों में लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो आज आलम जी हमें मिलेट्स की वेज खिचड़ी बनाकर दिखाएंगे और आप लोगों को अच्छे से समझाएंगे कि ये कैसे बनती है और इसके बारे में भी बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से दोबारा आए हैं एक नई रेसिपी के साथ और आज हम बनाएंगे ये नई रेसिपी मिलेट्स बानियार्ड मिलेट्स की वेज खिचड़ी। और ये हमारे साथ हैं माहिन जी और ये एक सोशल एंटरप्रेन्योर है, ये पहले भी बता चुका हूँ, और ये पूसा इंस्टीट्यूट में मिलेट्स के ऊपर काफ़ी रिसर्च कर रही हैं। तो ये हमसे कुछ ना कुछ सीखने के लिए यहाँ आई हैं। तो आज चलिए हम जो बनाते हैं बानियार्ड मिलेट्स की वेज खिचड़ी। चलिए दोस्तों, तो मैं आपको ये दिखाऊं कि ये है बानियार्ड मिलेट्स और इसको हमने 4 से 5 घंटा ऑलरेडी भिगो चुके हैं और अब हम शुरू करते हैं इसको कैसे बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे डालते हैं सरसों का तेल, ठीक है, और उसके बाद जो है हम ऐड करते हैं थोड़ा सा कड़ी पत्ता और ये है हमारा ओनियन, अगर कुछ लोग चाहें तो वो सरसों तेल की जगह घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। तो अगर आपको सबसे पहली बात ये होता है कि सरसों का तेल जो होता है, कच्ची भानी का तेल अगर यूज़ करते हैं तो जो डायबिटीज़ या बीपी वाले पेशेंट होते हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है। घी बीपी के पेशेंट के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। तो ये है हमारा, थोड़ा सा हम इसे प्याज को लाल होने देते हैं। दोस्तों ये हमारा प्याज अब इसमें जो है लाल हो चुका है। अब हम इसके जो साथ में है थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर हम ऐड करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम जो है हल्दी का पाउडर ऐड करेंगे, चलाइए मैं थोड़ा सा हमने यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया, टमाटर, हरी मिर्च, थोड़ा सा बीन्स का टुकड़ा, थोड़ा सा शिमला मिर्च का कटा हुआ पीस और ये थोड़ा सा गाजर, थोड़ा सा इसमें जो है सॉल्ट यूज कर दिया, और सबसे आखिरी चीज जो है ये हमारा भाई कॉर्न। ये अगर आप बॉइल करके कॉर्न को डालेंगे तो आपके जो मिलेट्स की खिचड़ी है इतनी स्वादिष्ट हो जाएगा, एक बार आप बना के देखना, ये बहुत ही आपको टेस्टी होगा। चलाइए, कॉर्न वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, सो यूज़ करें आप इसे अपनी खिचड़ी में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लगभग 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और ये सब्जियां जो हैं जितनी मैंने डाला था ये आधे, ये माही आधा पक चुका है। अब ये आधा पकने के बाद जो है हम क्या करेंगे, इसमें ये जो हमारा भिगोया हुआ मिलेट्स है, ठीक है, ये हम यहाँ से इसको ऐड करते हैं पानी के साथ। हाँ पानी के साथ आप चलाते रहें इसे। एक कप मिलेट्स की अगर वेज खिचड़ी बना रहे हैं तो हम इसमें कितना पानी ऐड करें? देखिए अगर एक कप आप मिलेट्स की खिचड़ी बना रहे हैं तो नॉर्मली मिलेट्स की खिचड़ी बनाए या वेज बिरयानी बनाए चाहे जो भी चीज़ बनाए, अम्ली को छोड़ के अगर आपने एक कप पानी डाल रहे हैं तो उसमें 3 कप जो है आप उसमें वाटर ऐड करना है सॉफ्टिंग और 4 से 5 घंटा आप उसको सॉफ्ट करना है, ठीक है, यही प्रोसेस है। अब ये हम जो है ना इसको धीमी आँच में
इसको आधे घंटे के लिए 20 से 30 मिनट्स के बीच में, समझ गए आप, इसे इसको पकने दे दीजिए। चलिए दोस्तों देखते हैं, आज हम फिर 20 मिनट के बाद जो है ना, हमारा ये लगभग 20 से 22 मिनट हुआ और ये बन के तैयार हो गया हमारा ये खिचड़ी। खुशबू तो काफ़ी अच्छी आ रही है इसकी। चलिए अब हम इसे प्लेटिंग करते हैं, देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है और खाने में भी काफ़ी टेस्टी होगा। चलो इसमें हल्की सी हम धनिया की गार्निशिंग कर देते हैं। तो दोस्तों हमारी मिलेट्स की, बानियार्ड मिलेट्स की बेस्ट खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है, काफी अच्छी आ रही है। चलिए अब हम जा रहे हैं टेस्ट करने और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।